स्वागत है दोस्तों। पीछे का माहौल स्वागत वाला नहीं है क्योंकि ये जनता बहस है, बाकी बात आप इनसे ही जानिए। मैं चली टाटा। हाँ तो मैडम, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, हम बॉलीवुड की बारे में बात कर रहे थे कि बॉलीवुड में लड़कियों की वैल्यूज नहीं होती है। आपके मानने में ये था? बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड में लड़कियों की बहुत मान्यता है। मान्यता है? कौन सी मान्यता है? क्यों, आपने देखा होगा लड़कियों के सपोर्ट्स कितने होते हैं। मैडम मैं आपको सीधी सादी बात बताता हूँ, अब पता नहीं मुझे कितना तजुर्बा है तुम्हें नहीं है, तुम दोनों से ज़्यादा तजुर्बा मुझे है, और जितना मुझे तजुर्बा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में अगर चलता है तो हीरो ही चलता है, हीरोइनों का आजकल कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक मिनट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गर्ल्स ऐसा लगता नहीं, ऐसा दिखता है? क्या मूवीज में दिखता है, पूरे बॉलीवुड में दिखता है, सबको पता है। क्या दिखता है? यही दिखता है कि एक जो हीरो होता है वही मेन होता है। आजकल हीरोइनों का कोई है ही नहीं, हीरो की वजह से थोड़ा बहुत चल जाती है, बाकी अगर कह सकते हैं बॉलीवुड के राजा या बॉलीवुड में राज किसका है, वो हीरो का होता है और किसी का भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी एक बात बताती हूँ, जो लड़कियाँ होती हैं वो सबसे मेन होती हैं। ऐसे कैसे हो जाती है मेन? पिक्चर हीरोइंस के बिना नहीं चल सकती है। होती नहीं मैडम, हमेशा पिक्चर कैसे हीरोइन के बिना चल जाएगी? आप मुझे बता दीजिए, पिक्चर बनती हीरो की वजह से, तो हीरोइन के बिना वो हिट नहीं हो पाएगी। हिट ना हिट होने की बात हीरोइन से नहीं होती, वो हीरो से होती कि हीरो कैसा है। अगर हीरो अच्छा है तो हिट होगी, हीरो नहीं। अगर हीरो हीरो का रोल होगा सिर्फ लड़कों से आप नहीं चलेगी। आपको लगता है, आपको लगता है कि आप हीरोइन एक ले जाके मूवी हिट करा सकते हो? लगता है आपको ऐसा? एक मिनट, कोई ऐसी एक बताओ जिसमें हीरोइन की वजह से मूवी हिट। आप मुझे ऐसी मूवी बता दीजिए कि जिसमें लड़कियां ना हो या लड़की का उसमें एक पॉइंट रोल ना हो, बताइए। आपने 1% रोल, ऐसे तो 1% एक तो एक जो नॉर्मल जूनियर एक्टर होता है उसका भी थोड़ा रोल होता है, तो ऐसे तो रोल मानता हूँ हीरोइनों का होता है। मैडम आपको मेन रोल और थोड़ा नहीं पता है, आप मेरी बात सुनिए, पहले उससे बात करने दीजिए। एक जूनियर आर्टिस्ट और एक सीनियर आर्टिस्ट में पता है जो फर्क होता है ना, वही हीरो हीरोइन में होता है। अगर मूवी चलती है तो हीरो की वजह से चलती है, हीरोइन से कुछ भी नहीं होता। मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। भाग मिल्खा भाग देखिए, महेंद्र सिंह धोनी देखिए, सचिन देखिए, एक सेकंड, आप वो वाली बता रहे हो जो उसमें बॉयज बॉयज है, आप अपनी बताइए। आप एमएस धोनी आपने देखी? एक मिनट, आपने दंगल देखी? हाँ देखी, बिल्कुल देखी है। मैरी कॉम देखी है? बिल्कुल देखी है। तो आप बताइए आप में और हम में क्या डिफरेंस? दंगल में आमिर खान है? नहीं है, आमिर खान ना होता तो उसमें गीता की बात हुई है, वो लड़की कितनी हिम्मत है उसमें देखिए आप। हिम्मत है? अरे जो भी चली वो आमिर खान साहब की वजह से चली है, उनमें उन लड़कियां थी उनको कुछ नहीं आता था। अरे सुनो, अगर आमिर खान साहब ना हो तो कुछ नहीं होता वहाँ पे। आप मेरी कॉम की बात कर रही हैं? मेरी कॉम कुछ गाने लगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दंगल लोग तभी देखने गए हैं जब लड़कियां। आप पहले तो आराम से बात करिए, एक एक करके पब्लिक को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, एक एक करके बात करिए। हाँ आप मुझे बात बताइए मुझे कैसे बात करनी है, मैं अपना तरीका जानती हूं। बताने की तमीज है कि आपको तो पता ही नहीं कैसे बोलते कुछ भी। ओके बैक टू व्हाट, ठीक है उन्हें तमीज नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, बताइए। आप बात करिए। नहीं नहीं आप बोलिए ना। मैं बोल तो रहा हूँ। क्या मैरी कॉम? आप तो मानी। हाँ मैरी कॉम में ट्रेनर कौन था? एक आदमी था। आपको ये नहीं पता है कि मेरी कॉम में कौन सा था कौन सा नहीं था, और आप बात लेके चली आई कि हीरोइनें बहुत होती है। अरे तो आप पहले घर पे जाओ मूवी देखो फिर बात मेरे से करवा के। आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, दो चीजें पता नहीं और आप बात करती आके। हैं पहले तो मूवी देख के आइए, तजुर्बा कुछ होता नहीं है आपको, आ जाते हैं। आप मेरी बात डिबेट यहाँ पे डिबेट हो रही है, किस चीज पे हो रहा है? बॉलीवुड की एक्ट्रेस पे और एक्टर पे। हाँ तो आप मूवीज क्यों कर रहे हो? मूवीज और ये क्या होती हैं, एक्टर एक्ट्रेस कहाँ पे होते हैं? नौटंकी में नाच रहे होते तो मूवी में ना। हाँ। मूवी तो आप लड़कियों के बारे में बात करें कि लड़कियां कुछ नहीं होती। ये मैंने नहीं कहा। आप जो यहाँ बैठे हैं वो एक औरत की वजह से, एक लड़की की वजह से बैठे हैं। ओके आपको ये पता होना चाहिए। इस बात पे सिर्फ तालियां बज सकती हैं, बाकी बॉलीवुड नहीं चल सकता। अच्छा आप सच नहीं मानते? आप तो माँ को ले आई, बॉलीवुड किससे चलता है? प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर ले लो, डायरेक्टर। हम नहीं जा सकते पीछे, हम नहीं जा सकते, सारे आदमी हैं। अब आदमी भी बात हो रही है लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो हीरो हीरोइन का है, जो उसमें मेन का होता है किसकी वजह से फिल्में चलती हैं। तो आप मेरी बात मानो कि हीरो की वजह से ही फिल्में चलती हैं। और हम आपकी बात मानते हैं। हम आपकी बात इधर पद्मावत देखिए, हमने देखिए है, उसमें हीरो भी मेन है और हीरोइन भी मेन है, इतना पता है आपको। लेकिन सबसे ज्यादा कौन चला, लोग सबसे ज्यादा तारीफ किसकी करते हैं? दीपिका। और किसकी वजह से मूवी हिट गई है? दीपिका। नहीं कैसे गाना दिखाई है तो दोनों का। आप
कहीं गली नुक्कड़ पे निकल जाइए ना, अगर बोलते हैं पद्मावती की, अरे भाई क्या रणवीर सिंह की एक्टिंग थी, क्या बोल, ये तो कोई नहीं बोलेगा, वाह क्या एक्टिंग थी, नहीं नहीं आप गर्ल से जाके पूछिए, बोलती है कि शाहिद कपूर क्या हैंडसम लग रहा था, होता तो है ना, होता तो है ना अट्रैक्शन, एक मिनट ना, आज मेरी लाइफ है, मैं बोल रही हूं, मेरी बात सुनिए, हाँ आप बताओ, आप मूवीज की बात कर रहे थे, मूवीज की ही बात कर रहे थे, आप पद्मावत की बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो वो जो मूवी हिट हुई है गाने की वजह से, गाने की वजह से, और गाने में डांस किसने किया, एक लड़की ने, आपको देखना चाहिए लड़की ने कितना अच्छा डांस किया, आपको वो नहीं दिख रहा है, एक मूवी डांस की वजह से चलती है, एक मूवी डांस से चलती है, डांस की वजह से नहीं चलती, मैं ये नहीं कह रही कि डांस कुछ भी नहीं होता, आपने आपने मेरी बात सुनो, पहले नहीं बात सुनो, भागूंगा भाग देखी थी ना, बिल्कुल देखिए, आपने उसकी बात करी है ना, उसमें लड़की भी आई थी, लव स्टोरी भी आई थी उसमें, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला और लव स्टोरी की वजह से चली, मेरी बात सुनो कि आपने बोल लिया ना, अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला इतना तो जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल होता है, तो मैंने ये नहीं कहा कि हीरोइन होती नहीं, कुछ होती है, लेकिन जो मेन होता है वो हीरो होता है, हीरो को सपोर्ट करने के लिए हीरोइन होती है, लगता है कि हीरो मेन होता है, वो सपोर्ट करने के लिए हीरोइन होती है, बस इतना समझ लीजिए आप, आपने अभी 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 जस्ट बागी 2 रिलीज हुई है, हाँ देखिए बागी 2 मैंने नहीं देखी, नहीं बागी 2 मैंने नहीं देखी, क्यों नहीं देखी, वैसे भी देखी ना आपने, क्योंकि वो देखी नहीं, लेकिन मुझे पता है, देखी नहीं लेकिन मुझे पता है, उसमें लोग क्या बोलते हैं, लव स्टोरी को इतना मायने नहीं रखते जितना एक्शन रखते हैं टाइगर श्रॉफ का, ठीक है मैडम, तो सारे इवन आप जैसी लड़कियां भी बोलती हैं भाई साहब क्या टाइगर श्रॉफ की बॉडी थी, अरे मैंने आपको पहले ही बोला था वो अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन, तो मैडम है तो कुछ ना, अट्रैक्शन की वजह से, स्टोरी की वजह से, एक्टिंग की वजह से ही मूवी चलती है, जो मूवी लड़कों में होता है, हीरो में होता है, लड़कियों का डांस देखने जाते हैं मेनली, अच्छा आपने देखा होगा उसमें लड़कियों, कौन सी मूवी जिसमें डांस डांस देखने जाते हैं, क्यों रागिनी हमें बस नहीं देखी आपने, बोलिए नहीं बोलिए, आपने देखी होगी ना, उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना, अरे बहुत, अरे रागिनी एमएस ने क्या कर लिया, रागिनी एमएस ने क्या कर लिया ये बताओ, क्या कर लिया, सीधा बोलो तो बुरा मत माना, क्या उखाड़ लिया रागिनी एमएस ने, यार जो मूवी आप लोग ना मुद्दे से भटक रहे हो, आप और कहीं जा रहे हो, मुद्दे पे आओ, ठीक है तो आप मुद्दे पे लेके आओ ना बात, आप मुद्दे पे आओ, हीरो हीरोइन की वजह से, मैं आपको बहुत ही सिंपल दो लाइन में बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करो, बोलिए बीच में मत बोलिएगा खासतौर पे आप, ओके ओके ठीक है, मूवी जो चलती है बोलने दीजिएगा मुझे, मूवी जो मैं मना कर रही हूं, आप ही बाद में बोलिए ऐसे बोल रहे हो, हां ठीक है प्लीज चुप हो जाइए, हां आप बोलिए, मूवी जो चलती है वो हीरो की वजह चलती है मेनली, और मैं इसका सबूत आपको देता हूं, आज से आप जो भी मान लो कि कोई भी खान हो, कोई भी कपूर हो, कोई भी हो, मेनली रणबीर कपूर ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान ले लो, या तुम आमिर खान ले लो, अगर ये लोग मूवी में ना हो ना कुछ नहीं होता, और ये लोग होते हैं 300 400 500 करोड़ का, मैं वो मूवी का नाम बोलो, कैटरीना कैफ ले लो, करीना कैफ ले लो, करीना अभी ये किस लिए होती है, सपोर्ट करने के लिए होती है, सॉरी यस, आमिर खान का, शाहरुख खान का, सलमान खान के लिए सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए लड़कियां होती हैं, सपोर्ट के लिए लड़कियां, सपोर्ट के लिए लड़कियां, सपोर्ट के लिए, तो उनका सपोर्ट के लिए होता है, सपोर्ट के लिए, बिना सपोर्ट के तो बिना सपोर्ट के तो कुछ ना, क्या क्या नहीं उतना तो हमने आपको दिया ना, उतना तो हमने दिया कि सपोर्टिंग रोल का कर रहे हो, बस वो सपोर्ट ही कर सकते हैं, सपोर्टेड में क्यों रहे गर्ल्स, सपोर्ट में होती है, क्यों और होती कुछ है, नहीं होती, में क्यों होती है, मेनली जो होता है हीरो सबसे ऊपर होता है, ये बात आप मानो, और यही मुद्दा है, आप लोग इससे बाहर जाके अपनी मम्मी बच्चे की बातें ना करो, आप अपनी मतलब मूवी देखने के लिए जाते हो, ठीक है, बिल्कुल जाते हैं, एक्शन चल रहे हैं, एक्शन चल रहे हैं मैडम, बीच में अगर एक्शन ही चलते रहे तो आगे तो लोग जनता बोर हो जाएगी ना, कि यार एक्शन एक्शन इसके अलावा कुछ है नहीं, आगे से ज्यादा वॉइस ना निकल के देखो आजकल के लड़के, आपने राजकुमार राव साहब के बारे में सुना है, बहुत अच्छा एक्टर है, तो आप चुप रहिए, आप सुना है, आपने सुना है ना, आप बात करिए, राजकुमार राव के बारे में सुना है, उसकी न्यूटन मूवी आई है, न्यूटन ले लो, ट्रैप ले लो, या फिर तुम और किसी एक्टर इरफान खान साहब की ले लो, इतनी सारी मूवीज आई, लोग क्या देखने जाते हैं, एक्टिंग देखने जाते हैं, और एक्टर कौन होते हैं, ये लड़के, मैं लड़कियों को एक और बताऊं कि हीरोइनें जो होती हैं वो सिर्फ ग्लैमर के लिए आती हैं, उनको एक्टिंग नाम की चीज का पता नहीं होता, एबीसीडी नहीं पता, जैसे आपको कुछ नहीं पता होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसी कोई होता है, ऐसी कोई मूवी आपको बात सुनिए, बातें सच्ची बातें कड़वी लगती है, तो आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते, ये मोहतरमा जो भी ना सिर्फ बोलना आता, कुछ नहीं पता है, आप क्या करें, बोल कर रही है, वो तो चिल्ला रही है, बोल कर रही है, आप मेरी बात बोलोगे तो चिल्लाएंगे ही, हम लड़कियां हैं, हमारे चिल्ला हम भी सकते हैं, हम लड़कियां आपसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं, लेकिन हमें पता है तमीज में कैसे लहजे में कैसे रहना होता है, और आप लोग को किसी ने आप जब से आए हैं लाउड में ही बोल रहे हैं, लाउड नहीं नॉर्मल आवाज है, ये नॉर्मल तो मुझे लगी, अगर मैडम मैं चिल्लाया ना
चिल्लाऊं क्या मैं अभी? चिल्ला नहीं रहा मैं, चिल्ला नहीं रहा मैं। और आप लोग मजबूर मत करो, इससे पहले क्या था? मजबूर मत करो, मैं बता रहा मजबूर मत करो। अब बात करो, तमीज नहीं तुम्हें बात करने की? पता नहीं कुछ भी बात कर रही है। चुप रहिए आप, आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। बोलने का लहजा है, तमीज है, सीख क्या हो पहले आप, फिर आइए अंदर। क्या आपने सिखाया है क्या? मैं सिखाऊं? मेरे माँ बाप से सीखो जाके। चक्कर में ऑडियंस परेशान होगी, प्लीज एक ऑडियंस भी देख रही है, किसी को भी खड़ा कर लो, यही बोलेगा। सबसे पहले आप ही लाउड बोले थे यार। मेरे को नहीं बोले, आपको गालियां पड़ रही है। हम बॉलीवुड की बात करना है। हाँ तो करो ना बात। हाँ तो बॉलीवुड मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर जब आ जाता मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। आप मुझे मजबूर मत करो प्लीज, करो मेरे ऊपर। मैं आपसे आप ये बोल रहे कि हीरोइंस कुछ नहीं होती हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कुछ नहीं होती। मैंने बोला हीरोइनें होती, लेकिन हमेशा हीरो से नीचे दब के रहती हैं। दबना भी नहीं कह सकते। यही तो आप कर रहे हो, यही सोच है, यही सोच है। सबसे बड़ा पॉइंट है, आप अपनी सोच को जरा थोड़ा बदलिए। आप जैसे लोग 18 साल के बाद, 22 साल के बाद, 28 के बाद बदलते हैं ना, वैसे आप थोड़ी अपनी सोच भी। क्या बोल रही हैं आप? आपको भी समझ आ रहा है क्या बोल रही हैं? सोच बदलिए यार, आपको भी समझ आ रहा है क्या बोल रही हैं? गाइस स्टॉप, एक मिनट एक मिनट। मैंने चलो जो बोला उसको छोड़ो। मैडम जो बात हो रही है, आप 18 साल 20 साल का जा रही हैं। वो छोड़िए, आप क्या सोच में आ रहे हैं कि लड़की दबके रहती है? दबने का मेरा मतलब अरे मेरा मतलब दबने का मतलब ये है कि लड़कियां जो होती हैं, हीरोइनें जो होती हैं, आपका मतलब सपोर्ट करने के लिए आती हैं। लड़कियां से सपोर्ट कर सकती हैं, बिना सपोर्ट के लड़के भी कुछ नहीं कर पाते। बिना सपोर्ट के लड़के लड़कियों से दबके रहेंगे। एक चीज मैं बोलूंगा, आप लोग बताओ आज तक ऐसी कोई एक मूवी देखी है जिसमें लोग बाहर बातें कर रहे हो कि वाह इस हीरोइन ने क्या एक्टिंग करी? क्यों मॉम मूवी नहीं देखी थी क्या आपने? मॉम को किसी ने देखा? मैंने क्या, मैं तो सुनी तो नहीं, इसलिए नहीं देखा ना। आप जाके देखो, क्योंकि उसमें मेन लड़की है। आपने मूवी नहीं देखी? हां बता रहा हूं बॉलीवुड के लिए यार, वाओ किसने बुला लिया ही नहीं यहां पे? मूवी में इसने बहुत बोला ना कि ये आने वाला है, तो मैं बिल्कुल नहीं आ। आप अभी चल जाइए फिर, आप आ गए, आप देख लीजिए। अब जाइए, आप किसी को भगा नहीं सकते। मैं भगा नहीं रहा, यही कह रही कि अब मुझे पता होता तो मैंने कहा अब देख लिया, अब निकल जाओ, आपको दिक्कत है ना। एक बात बताइए ना, बॉलीवुड के लिए आने वाले थे ना, तो बॉलीवुड पे बात। बॉलीवुड के लिए आप तो पता नहीं, मम्मी पापा चाचा 18-22 साल पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी क्या बोला आपने? मैंने जब बोला कि आपने मॉम मूवी देखी? नहीं मैंने नहीं देखी है। आगे की बात सुनिए, बॉलीवुड की बातें कर रहे हो आप? गाइस स्टॉप, पूरी बात तो सुनो। आप बॉलीवुड ज्यादा देख रहे हो क्योंकि मैं दबके नहीं रहती हूं, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोला तो मुझे हीरोइन दबके नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हां बोलिए। शादी के बाद आपका हस्बैंड आपको पीटेगा पकड़ के, सीरियसली बता रहा हूं मैं। आप शादी नहीं, आप सुनती नहीं है, सुनती नहीं है, सुनती नहीं है। मुझे आपसे बात नहीं करनी पहली बार। पहली बात नहीं, डर नहीं लगता मुझे, डर। आपने पता ऑनेस्टली बताओ ना, आपने शादी नहीं क्यों नहीं की? क्योंकि आप दब जाओ। आपको कैसे पता मेरी शादी नहीं? आपको कैसे पता मुझे शादी नहीं? आप शादी भी नहीं करा, किसी ने आपको अभी तक सीधा नहीं किया। मेरे दो बच्चे हैं। दो बच्चे? दो बच्चे। तभी क्यों? क्या तुम बच्चे भी ना, बच्चे ये पूछ रहा यार, अपनी अपनी आपकी बेटी है, ये पांच साल की है? नहीं नहीं अपनी वाइफ से कोई मेरी है? हमने लगा पिछले 5 मिनट से हमने जिस लिए आया था वो बात ही नहीं कर रहे, हम तो लड़ रहे हैं। ठीक है चलो बात करो। अच्छा ये बात, बात तभी करेंगे जब आप चुप रहेंगे। प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। क्यों चुप रहूं मैं? क्योंकि आप गलत बोल रहे हो, आपको मैं चाहता नहीं हूं कुछ भी बोलता है। अरे सच तो बोलो, आप तो पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। आप सच में बोल रही तो लड़ रहे हो, मुझे आपको जो बोल रहे हैं आपको खुद समझ आ रहा है? लड़की लड़की की तो वो करेगी, आपको क्या? आपको भी कुछ नहीं आता। बुला लेते ना एक लड़का, एक ही लड़का का होता है, एक लड़का बहुत है तुम दोनों के लिए। तुम दोनों की उतनी उम्र नहीं जितना मेरा तजुर्बा है, तो मेरी बात सुनो। तो आपकी दिमाग खराब हो गए, जाके ठीक कराइए पहले उसे, ठीक है? हम क्या बात कर सकते हैं? आज की लाइफ ना सोच पे डिपेंड करती है। अरे इधर सुनिए, आज की लाइफ ना सोच पे डिपेंड करती है। इन्हें हम छोटे हैं, ये नहीं कि अरे हम छोटे हैं अभी, हमें कुछ पता नहीं है, आप हमसे बड़े हो गए, कद में बड़े हो मिस्टर, कद में। इनको मुद्दे के अलावा कोई भी बात करवा लो, मुद्दे के अलावा कोई बात करा लो, सब कर लेंगी। और जो बात मुद्दे की वो नहीं आती इनको, ठीक है तो करो। बॉलीवुड की बात हो रही थी ना, आप क्यों नहीं बात मेरी मान लेती? मैं जो बता रहा हूँ, आपकी अगर कोई चीज है अगर बोलना चाहती हो तो बोलो,
मैं जिस चीज में बता रहा हूँ वही अपने आप को सही साबित कर रहा हूँ। कि मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि हीरोइनें दबकी नहीं रहती, लेकिन हीरोइनें जो होती हैं हमेशा हीरो से थोड़ा नीचे होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? मेन प्रायोरिटी मूवी में हीरो होते हैं, लेवल पे होती नहीं है ना मैडम, लेवल पे होती है वो। आपने ये भी देखा होगा हर एक मूवी में हीरो की फीस ज्यादा होती है, गंगी कम होती है। इधर 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 अखीरा मूवी देखी है? देखिए देखी है ना। अब जरा मुझे बताना क्यों अच्छी गई है वो मूवी? हाँ वो तो हिट भी रही है क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी है। स्टोरी पावर स्टोरी अच्छी है। अभी बात नहीं होगी स्टोरी की, बात होगी लड़की की। हाँ लड़की की एक्टिंग भी देखी गई है। मुझे लड़की नहीं पसंद है क्योंकि इसलिए लड़की नहीं पसंद है क्योंकि हो चुकी है यार। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मुझे लड़की नहीं पसंद है वो। हाँ तो मुझे स्टोरी पसंद इसीलिए है, मुझे स्टोरी अच्छी लगी। मैं कह रहा हूँ ना स्टोरी अच्छी लगी, ऐसी तो मैं बहुत सारी बता दी मैंने। अब जो मैंने बताया बाल मिल्खा भाग, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन, राजकुमार राव की ट्रैप हो गई, न्यूटन हो गई, आप तो नहीं आती इन बातों पे। आप तो अकेला लेके बैठ गए। अकेला अकेला व्हाट एमएस धोनी में भी लव स्टोरी थी, वो ना आपको पढ़ाई लगी है। लव स्टोरी का मतलब क्या है? अरे यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहो? ठीक है लव स्टोरी थी, लड़की थी, मैं एग्री कर रहा हूँ थी उसमें, लेकिन उसमें मेन कौन था ये बताओ, तुम खुद बताओ मेन कौन था? मेन हीरो था मगर मूवी नहीं चलती। आपने मान लिया ना, मान लिया ना, यहाँ पे मान लिया ना मेन हीरो था, मेन हीरो ही होते, यही मेरा कहने का मतलब है। यही मेरा कहने का मतलब है, यही बात समझो और अपनी फ्रेंड को समझाओ। नो बिल्कुल नहीं, शायद ये मैं अपनी सोच बदलने वाली नहीं हूँ आपकी वजह से। ठीक है आप यहाँ बैठे हो, कल कोई और आएगा उसकी सोच भी बदलेगी। जनता बहस आज के लिए यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।